वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर टू, गुरु का स्थान, प्लेस ऑफ टीचर। ओके, उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय कि ये पाठ किसके बारे में है। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित इस पाठ में गुरु के प्रति सम्मान की भावना को ज्ञान प्राप्ति में सहायक तथा अहंकार को ज्ञान प्राप्ति में बाधक बताया है। यानी ये कहानी किसके रिलेटेड है, किसके संबंधित है, तो गुरु शिष्य की परंपरा पे अधीन है। और उसके अंदर क्या है कि गुरु के प्रति हमारी भावना हमको ज्ञान प्राप्ति में सहायक बनती है या फिर बाधक बनती है, कैसी भावना से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो चीज। ओके, अब हम देखेंगे पाठ का उद्देश्य कि ये पाठ किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो हाव भाव के साथ पाठ का वाचन करना, गुरु के प्रति आदर भाव की भावना का विकास, ये दो भावनाएं हैं कि स्टूडेंट इसका हाव भाव के साथ उसका वाचन करना सीखे और दूसरा उनके गुरु के प्रति उनका आदर भाव, आदर की भावना का विकास हो। ओके, अब उसके अंदर दो दृश्य दिए गए हैं। ये कहानी पूरी एक स्टोरी के रूप में दिखाई गई, यानी प्ले के रूप में दिखाई गई है, जिसके अंदर दो दृश्यों के अंदर ये स्टोरी खत्म होती है। ओके, सबसे पहला दृश्य क्या बनता है वो देखते हैं। राजा, यानी ये स्टोरी के अंदर एक राजा है, वो कहता है, मंत्री जी, हम सोच रहे हैं कि सुयोग्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ाए ताकि प्रजा की और भी अच्छे से देखभाल हो सके। यानी देखिए पिक्चर के अंदर ये राजा है, वो राजा अपने मंत्री को बोलता है, किसको कहते हैं, मंत्री को बोलते हैं। क्या कहते हैं कि मुझे सुयोग्य गुरु, सुयोग्य गुरु का मतलब होता है कोई योग्य गुरु, कोई गुणवान गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उससे क्या होगा, प्रजा की और भी अच्छे से मैं देखभाल कर पाऊंगा। प्रजा यानी उस राज्य की जनता है, वो उनको अच्छे से देखभाल कर पाएगा, इसीलिए उनको शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, ऐसा ये राजा सोच रहे हैं और अपने मंत्री को बता रहे हैं। फिर मंत्री क्या कहते हैं, महाराज बहुत अच्छा विचार है, आपको वैसे भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। मंत्री क्या करता है, राजा के विचार को प्रोत्साहित करता है और कहता है, वैसे भी आपको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, यानी आपको पढ़ने लिखने में वैसे भी बहुत रुचि है, इससे शौक भी पूरा हो जाएगा और प्रजा की बेहतर ढंग से देखभाल करने की योग्यता भी प्राप्त होगी। और वो बात के अंदर दूसरा क्या ऐड करता है कि इससे आपकी रुचि, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और आप प्रजा की अच्छे से देखभाल करने की योग्यता का मतलब होता है सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य भी आपको प्राप्त होगा। ओके, राजा कहता है, मंत्री जी अगर आपका भी यही विचार है तो शीघ्र ही सुयोग्य और अनुभवी गुरु का इस कार्य के लिए आमंत्रित कीजिए। क्या कहते हैं राजा, अगर आप भी मेरे विचार से सहमत है तो शीघ्र ही का मतलब होता है तुरंत ही, किसी सुयोग्य और अनुभवी गुरु को इस कार्य के लिए आमंत्रित कीजिए, यानी मुझे शिक्षा देने के लिए ऐसे किसी अच्छे गुरु को यहाँ पे आमंत्रण दीजिए। ओके, फिर क्या आता है, मंत्री जी महाराज मैं शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करता हूँ। मंत्री क्या उत्तर देता है कि मैं तुरंत ही ऐसे गुरु की व्यवस्था का मतलब होता है के प्रबंध करता हूँ, ऐसे गुरु का प्रबंध करता हूँ। मंत्री ने व्यवस्था पूरी करके सुयोग्य गुरु को दरबार में आमंत्रित किया और महाराज को सूचित कर दिया। यानी ये चीज का उसमें दिखाई है, मतलब इसको पिक्चर में दृश्य के अंदर लिया नहीं है, सिर्फ मंत्री ने कहा तो उन्होंने एक गुरु की व्यवस्था कर दी और वो गुरु अभी महाराज के सामने उपस्थित होने वाले है। ओके, अब आगे देखते हैं, नीचे इसका इंग्लिश वर्जन दिया है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ओके, अभी आगे देखते हैं द्वितीय दृश्य, यानी दूसरा दृश्य। दृश्य के अंदर क्या होता है, राजा कहते हैं गुरुदेव को प्रणाम, यानी गुरु है तो सबसे पहले राजा ही उनको प्रणाम बोलेंगे ना, तो सबसे पहले राजा ही गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, ज्ञान वर्धक की आपकी इच्छा प्रशंसनीय है। गुरुदेव क्या बताते हैं, आप चिरंजीव हो, यानी चिरंजीवी का मतलब होता है दीर्घायु, यानी आप बहुत लंबा आयुष्य जीव, और दूसरा यशस्वी यानी आप बहुत मशहूर हो सब जगह में, और जो ज्ञान प्राप्त करने की आपकी जो इच्छा है वो क्या है, प्रशंसनीय है, यानी बढ़ाई करने के
योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। राजा कहता है आप जैसे श्रेष्ठ गुरु को पाकर हम प्रसन्न है। राजा भी क्या कहते हैं, आपके जैसे श्रेष्ठ गुरु को पाकर हमें खुशी हुई, हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, यानी हमारी जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है वो क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। गुरुदेव राजन विद्या आरंभ करते हैं, गुरुदेव अभी क्या कहते हैं, चलो अभी विद्या का आरंभ करते हैं। राजा हाथ जोड़ते हुए क्या कहते हैं, जी महाराज। राजा क्या कहते हैं, चलो ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं। गुरुदेव राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा के हर सुख दुख के बारे में जानकारी रखे, यानी अभी वो शिक्षा देना शुरू करते हैं। शिक्षा के अंदर सबसे पहले वो प्रजा के रिलेटेड बात राजा को समझाते हैं और क्या कहते हैं, राजा का सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि वो प्रजा के सुख दुख के बारे में जानकारी रखे। प्रजा सुखी है या दुखी है उसके बारे में राजा को पता होना चाहिए। इसके लिए राजा के व्यवहार में दयालुता होनी चाहिए। ये कब पता चलेगा, जब राजा का व्यवहार कैसा होगा, दयालु होगा, यानी दयालु भर दया भरा हो, दया से भरा हुआ होगा, दया का भाव होगा उनके व्यवहार में, तो ही उनको पता चलेगा कि राजा सुखी है या फिर दुखी है। न्यायप्रिय राजा की अपनी प्रजा की उचित देखभाल कर सकता है। क्या बताते हैं कि जो न्यायप्रिय राजा है, जो किसी से अन्याय करता नहीं है, वैसा राजा ही अपनी प्रजा की अच्छे से देखभाल कर सकता है, ऐसे उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं। अभी क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स।